गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्लास्टिक की बॉटल को डेकोरेट करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, देखिए, जूट, सम पेपर स्ट्रिप्स, फिलिंग नीडल, सीजर, ग्लू और कोई भी प्लास्टिक की बॉटल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने किस तरह से खाली बॉटल ली है, इसका कैप आप उतार दीजिए इस तरह से। देखिए अब हम इसको इस तरह से, देखिए, ग्लू की हेल्प से, जूट से पूरी बॉटल को रैप कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम पूरी बॉटल पे जूट रैप कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम पूरी बॉटल को इस जूट से रैप करेंगे। इस तरह से देखिए, अब यहाँ पे हमारा ये टुकड़ा खत्म हो गया है, दूसरा नया यूज कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम पूरी बॉटल को कवर कर लेते हैं। बीच में स्पेस नहीं छोड़नी है, इसको हम बिल्कुल साथ साथ ही रैप करेंगे। देखिए हमने पूरी बॉटल को इस तरह से, देखिए, जूट से रैप कर लिया है। अब आप अगर इस पर कलर करना चाहते हैं तो कलर कर सकते हैं, कलर करना ऑप्शनल है, मैं इसमें कलर नहीं यूज़ कर रही। तो अब हम इसकी डेकोरेशन शुरू करते हैं। उसके लिए देखिए सबसे पहले हम कुछ लीव्स बना लेते हैं। मैंने एक ग्रीन स्ट्रिप ली, इसको हम क्विलिंग नीडल की हेल्प से रोल कर लेते हैं इस तरह से। इसको इस तरह से थोड़ा लूज रखेंगे। इस तरह से देखिए इसको हम दबा के ऐसे शेप देंगे इस तरह से। इस तरह की हमने काफी सारी पेटल्स बनानी है। तो लीव्स को देखिए हम कैसे करेंगे। अब इस तरह से देखिए हम दो दो लीफ इन पेटल्स को आपस में पेस्ट करेंगे। इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए दो दो पेटल हमने ज्वाइन कर ली है। अब देखिए अब इनको भी हम आपस में इस तरह से ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और एक लीव इसके सेंटर में, एक पेटल इस तरह से इसके सेंटर में आएगी। तो इस तरह से देखिए हमारा लीव बन जाएगा। इस तरह से हम काफ़ी सारे लीव्स बना लेते हैं। ऐसे ही हमने देखिए डंडियाँ बनानी है। उसके लिए देखिए मैंने एक ग्रीन स्ट्रिप ली है, उसके बीच में फिर से मैं एक येलो स्ट्रिप रख रही हूँ। आपको जितने शेड की स्टैम बनानी है आप उतने शेड की स्ट्रिप यूज़ कीजिए। उसके बाद फिर से मैंने एक ग्रीन स्ट्रिप रखा, इसको इस तरह से देखिए सेंटर से मैंने डबल कर लिया है इस तरह से। इस तरह से देखिए अब हम इसको देखिए इधर से
रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से और नीचे से हम यहाँ पे ग्लू लगा के इनको पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से हमने ये स्टैम्प्स भी काफ़ी सारी बना लेनी है, जितनी भी आपको ज़रूरत है। आपका पैटर्न जितना आप हैवी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इस तरह से स्टैम्प्स बना लेंगे। इस तरह से अगर आप यहाँ पे भी हल्की सी ग्लू लगा के इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी लगा दीजिए इस तरह से। फिर ये यहाँ पे इस तरह से पेस्ट हो जाएगी। ऐसे ही अब हम फ्लावर्स बनाएंगे। फ्लावर्स के लिए देखिए मैं रेड स्ट्रिप ले रही हूँ। इस तरह से इसको भी नीडल की हेल्प से रोल कर लेते हैं। इस तरह से देखिए लूज कर लेंगे और यहाँ पे ग्लू लगा के इसको देखिए हमने इस तरह से शेप दी है। इस तरह से अब देखिए इस तरह की हम काफी सारी पैटर्न्स बना लेते हैं। अब देखिए मैंने एक ये रेड कलर का टुकड़ा लिया है, इसको हम सर्कल शेप में काट लेते हैं इस तरह से, और इसके बीच में से हम इस तरह से छोटा सा एक सर्कल निकाल देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे देखिए ग्लू लगा के इसको यहाँ पे इस तरह से देखिए पेस्ट कर देंगे। अब हम देखिए ये जो रेड पेटल्स हमने बनाई हुई हैं, कुछ मैंने येलो पेटल्स बनाई हैं, इस तरह से देखिए इस पर हम ये पेटल्स को इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। पूरे सर्कल में हमने ये पेटल्स लगा देनी है इस तरह से। इस तरह से देखिए हम अपने फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमने इस तरह से फ्लावर को पेस्ट कर लिया है पूरे फ्लावर को। अब हम देखिए कुछ येलो कलर की पेटल्स बना लेते हैं। इसको भी ऐसे ही रोल करेंगे और सेम वैसे ही शेप देंगे। अब देखिए ये जो हमने येलो कलर्स की पेटल्स बनाई हैं इनको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए येलो कलर की पेटल्स हम अंदर की तरफ इस तरह से देखिए पेस्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए येलो कलर की फ्लावर्स हम पूरे में पेस्ट कर देंगे। देखिए हमने येलो कलर की पेटल्स पेस्ट कर ली है। अब हम सेंटर में एक बीड बनाकर लगाते हैं। उसके लिए देखिए मैंने एक पर्पल स्ट्रिप ली है, इसको मैं रोल कर रही हूँ। इस तरह से देखिए इस तरह से इसको हम यहाँ सेंटर में पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से अब हम देखिए बॉटल पर इन फ्लावर्स और पेटल्स को अरेंज कर लेते हैं इस तरह से। देखिए इसी तरह से हमने तीनों फ्लावर्स को इस पर
अरेंज करना है। थोड़ा नीचे को लगाते हैं। इस तरह से एक फ्लावर हम यहाँ लगा लेते हैं। देखिए हमने बॉटल पर फ्लावर्स लगा लिए हैं। अब हम देखिए लीव्स लगाएंगे और साथ में स्टेम्स लगाएंगे। ओके, इस तरह से जहाँ पे भी आपको ठीक लगता है वहाँ पे आप इस तरह से अपने हिसाब से फ्लावर लीव्स और स्टेम्स लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने स्टेम लगा दी है। ऐसे ही आप बाकी के लीव्स और स्टेम्स पेस्ट कर लीजिए। देखिए हमने फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम्स सब लगा दिए हैं। देखिए इस तरह से हमने एक ऑर्डिनरी बॉटल को कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया है। तो आप भी इस तरह से सुंदर सुंदर चीज़ें बनाइए। थैंक यू।